गेट क्लोज है यार। अरे रुक, अरे चलिए चलिए चलिए, हम लोगों को बहुत कठिन समस्या है। 4 दिन का रास्ता कर्नाटक जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत में सर जा रहे हैं। मेरी लाइन भरने लगी है आगे, और आप क्या, हम लोग जस्ट सबसे पीछे सीट वगैरह तो मिला नहीं है, आप दिखाएंगे हम आप लोगों को। चलिए 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 चलिए, अब वही हाल हो गया। जब आ गया अपना टनल। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत करता हूं एक और नए ट्रेन सफर में, बिहार की सिल्क सिटी भागलपुर से। और आज हमारी ट्रेन यही है अपनी अंगा एक्सप्रेस 12254, जो जाती है अपनी बेंगलोर, यहाँ भागलपुर से, वो भी सप्ते में सिर्फ एक दिन। आज इसी में सफर करेंगे जनरल कोच में। लाइन देखिए लग चुका है, हम लोग भी लाइन में हैं। और यह देखिए दोस्तों, लाइन लगा दिए हुए हैं यहाँ जनरल कोच में चढ़ने के लिए। हम लोग तो लेट हो चुके हैं, हम लोग जस्ट सबसे पीछे यहाँ खड़े हैं। चलिए देखते हैं सीट कैसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हमारी लाइन बढ़ने लगी है आगे, और अब चलते हैं कोच में। सीट तो नहीं मिलेगा बट, लेकिन ये अच्छा व्यवस्था किया गया है, इसमें धक्का मुक्की नहीं होगा, आराम से कोच में चढ़ेंगे। यह देखिए दोस्तों, लाइन टूट गया, अब सब वही हाल हो गया। जब भर गया तो पुलिस वाले लाइन तोड़ दिए। अब कहें दौड़ के जाओ, अब हम लोग दौड़ दौड़ के आए हैं। अब देखिए घुस पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। यह देखिए भर रहा है, भर रहा है। चलिए घुसते हैं, घुसते हैं। चलिए 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 चलिए, आगे वाला खाली है, खाली है, उधर खाली है। चलिए आगे खाली बोला जा रहा है, देखते हैं इस कोच में क्या है। चलिए 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 चलिए, अंदर चलिए, अंदर भरिए, अंदर भरिए। क्या हो गया? ओहो, यह देखिए बाथरूम के पास आ गए मेरे भाई, तो भी चढ़ गए, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप चढ़ चुके हैं, और यह देखिए हमारा कोच कैसा है, स्टार्ट हो चुकी है भाई, इतनी बुरी हालात में। यह देखिए हमारा कोच ये रहा, भर गया है। तो दोस्तों इस ट्रेन में बस दो ही जनरल के कोच है, वो आपको भागलपुर से निकलने के बाद पीछे मिलेगी, और क्यूल में इसका लोको रिवर्सल होता है, उसके बाद ये आगे हो जाएगी। तो ये खास ध्यान रखिएगा, इन्हें कि एसी के तरफ रहिएगा फिर दौड़ के आइएगा। और पुलिस का यहाँ लाइन लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब कोच भर गया तो सबको दौड़ा दिया। यह देखिए कैसे लगेज सब रखा हुआ है, कैसे पैसेंजर सब है, यह लटका हुआ ऐसे ऐसे ही आज जाना है। खड़े हो जाओ अंदर की ओर। तो गेट के पास चलिए, खड़ा होने का जगह मिल गया, नसीब से मिल गया, वो भी बहुत को तो वो भी नहीं मिला है। वो सब देखते हैं कैसे चढ़ते हैं। हमारे भाई भी यहीं है यार, रोहित भाई, ये भी गेट पे। चलो भाई, आज की जर्नी हमारी तो ऐसे ही होने वाली है। चलिए करते हैं इस जर्नी को शुरू। जर्नी अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो सोचिए, समझ रहे हैं इतना भीड़ में आपके लिए बना रहे हैं। दोस्तों हम लोग ट्रेन में चढ़ तो गए हैं, सीट वगैरह तो मिला नहीं है, अब दिखाएंगे हम आप लोगों को यहाँ से डिपार्ट। खुल गई क्या? देखा ऐसे गिरेगा अभी, ओए उतर, अभी गिरेगा ऐसे मारेगा पुलिस वाला। देखिए दोस्तों, डिपार्चर हो गया हमारे ट्रेन। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं भागलपुर से, और हालत हद से बदतर हो चुका है। देखिए कोच का हालत कैसा है, और आप लोग पूरा भर गया है। एसके 1 का बंदा जाएगा।
एक बज के 45 मिनट हो रहा है, 40 मिनट निकले थे, बीच में रुक गए थे। बैग रखवा भैया, कंटा अंदर होगा, दो टकरा जाएगा। अंदर जल्दी जल्दी अंदर अंदर ना, बैग पकड़िए। देखिए कैसे कैसे लटक के आ रहे हैं, खंबा यहाँ आएगा, सब लटक लटक के कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या करें, जरूरी है। ये देखिए दोस्तों, चेन पुलिंग हो चुका है सुल्तानगंज जाने से पहले, तो अपने ट्रेन मैनेजर सर जो हैं वो जा रहे हैं चेन पुलिंग बंद करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग अब स्किप कर रहे हैं पावन भूमि सुल्तानगंज, माँ गंगा की भूमि, कांवर यात्रा की शुरुआत जहाँ से हुई थी वही है ये सुल्तानगंज। सावन के महीने में आइएगा तो गेरुआ रंग से भरा ये आपको शहर मिलेगा। बाय बाय सुल्तानगंज। दोस्तों अब हम लोग बस टनल में ही घुसने वाले हैं, उसके बाद आएगी अपनी जमालपुर। यह देखिए टनल में घुसने वाले हैं, आ गया अपना टनल। ओ जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह देखिए निकल गए हैं, ट्रेन हमारी कर्व हो रही है। सो दोस्तों हम लोग अराइव हो चुके हैं जमालपुर में, और कोच हमारी इतनी पीछे कि देखिए प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। वैसे प्लेटफॉर्म अपोजिट साइड है हमारी, और पैसेंजर देखिए इधर से भी बहुत है चढ़ने के लिए। देखिए अपोजिट साइड से, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मुंगेर जिले के जमालपुर जंक्शन, जो कि हमारी ट्रेन की फर्स्ट हॉल्ट है। 53 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, और हमारी ट्रेन का अपोजिट साइड प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म दिखा नहीं पा रहा हूँ। अभी देखिए कहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इधर खड़े हैं। और वैसे इस ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन अपनी क्यूल में रिवर्सल होगा, उसके बाद जैसी डी आसनसोल होते हुए दानकुनी होते हुए भुवनेश्वर के रास्ते निकल जाएगी अपनी यशवंतपुर की तरफ। वैसे ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक मुंगेर की तरफ लाइन जाती है, हम लोग क्यूल की तरफ चले जाएंगे। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे लोकोमोटिव वर्कशॉप है जमालपुर में, वो एशिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्कशॉप है और ओल्डेस्ट भी है। देखिए यह देखिए हम लोग कहाँ बैठे हैं, खड़े खड़े पीछे पीछे हम लोग की ट्रेन ऐसा। और बताइए हम लोग की ट्रेन खुल जाएगी, चलिए चलते हैं। देखिए पीछे पैसेंजर सब हैं, खा पी रहे हैं, हम लोग को तो सीट मिला नहीं, चलिए चलते हैं। मज़ा आ रहा है अंदर में, यह देखिए ये अंकल हैं जो शिकायत है इनको बहुत रेलवे से, जो शिकायत जायज भी है वो क्या अंकल बताइए थोड़ा। देखिए सरकार जो भाड़ा लेता है सर, भाड़ा ले लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों को बहुत कठिन समस्या है, 4 दिन का रास्ता कर्नाटक जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत में सर जा रहे हैं। सरकार को जनरल कुछ कम कर दिया है, जनरल काम कर दिया है, पब्लिकों को बहुत कठिनाई होता है, सरकार को सुविधा देना चाहिए कि जो आदमी जा रहा है
वो कठिनाई में जा रहा है सर। कम से कम ट्रेन को डेली चलाए या फिर इसका कोच जनरल कुछ बढ़ाना चाहिए। जनरल बढ़ाइए सर। कितना पैसेंजर है जो भागलपुर में टिकट लेके छोड़ दिया, ट्रेन चढ़ नहीं पाया, इसलिए तीन आदमी हमारा सर पीछे छूट गया, पूर्णिया जिला का था और गाड़ी में जगह नहीं था इसलिए छूट गया सर। आप देखिए कैसा हम अकेले जा रहे हैं, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों अभी ये बहुत बुरा हाल हो चुका है ट्रेन का। चलिए और चलिए चलिए चलिए। सो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि रेलवे को ये पता चल सके कि पैसेंजर कितने तकलीफ में जाते हैं इतने लंबे सफर पे। आप ही समझिए, यहाँ हथेली पे लेके सब ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए यह देखिए लटके हुए हैं, यह देखिए ये लटक के ही आ रहे हैं तभी से ये अंकल, इसलिए इनको बहुत ज्यादा शिकायत है, ये शिकायत जायज है। चलिए मिलते हैं आपसे क्यूल में। देखिए दोस्तों ये अपनी जमालपुर से आवरा के बीच में चलने वाली अपनी कवि गुरु एक्सप्रेस, इसका रेक लगा हुआ है, ये अपनी निकलेगी रात को। ये देखिए दोस्तों OHE निरीक्षण यान है ये जमालपुर का। बाय बाय जमालपुर। देखिए दोस्तों इतना भीड़ में भी बेचने वाले अपने भैया सब घुस ही जाते हैं, इतना अगर हम लोग में हिम्मत रहे तो मज़ा से चल जाएंगे। हम लोग देखिए कितना मेहनत करते हैं, भीड़ में घुस घुस के आलू पकौड़ा बेच रहे हैं। अभी हम लोग एक स्टेशन को मज़ेदार स्पीड में धरहरा को क्रॉस किए। ओ भैया जी आराम से। देखिए क्या हाल है अभी हम लोग का, कितना बुरे हालात में अभी हम लोग फंसे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों बिहार की पहचान खेत खलियान। दोस्तों अपनी लोकमान्य तिलक से आई है और भागलपुर की तरफ जा रही है। क्यूल में आपका स्वागत है दोस्तों। दो दो ट्रेन हमारे वेलकम के लिए रुकी हुई है, वो भी WAP 7 के साथ, नहीं एक है WAP 5 के साथ, एक है WAP 7 के साथ। अपनी वहाँ WAP 7 के साथ लगी हुई है सूरत भागलपुर एक्सप्रेस, जो कि भागलपुर जाएगी सूरत से आई है, और एक WAP 5 के साथ लगी हुई है अपनी गया हावड़ा एक्सप्रेस। और हमारी देखिए ट्रेन आ चुकी है क्यूल में, अपोजिट साइड फिर प्लेटफॉर्म आई, यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा। यह देखिए दोस्तों बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के क्यूल जंक्शन पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई है समय से पहले, 4 बजे यहाँ अरेवल टाइम था, जबकि हम लोग 4:45 यहाँ आ गए हैं। लोको रिवर्सल होगा और हमारी ट्रेन का ये 3rd हॉल्ट है। अभयपुर एक बीच में रुकी थी और यहाँ पे हमारी ट्रेन 25 मिनट रुकेगी। हम लोग पीछे ही हैं, अब आगे हो जाएंगे तो आपको लोको रिवर्सल भी दिखाएंगे। क्यूल जो है वो एक जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप लोग को गया की तरफ भी लाइन चली जाती है लखीसराय होते हुए, और अपनी मुकामा तरफ पटना की तरफ भी जाती है, बरौनी वाली भी लाइन निकल जाती है। हम लोग भागलपुर की तरफ से आए और अभी इंजन रिवर्सल होने के बाद झाझा होते हुए JCD की तरफ निकल जाएंगे। यह देखिए दोस्तों अपनी आई है अभी, ये दोस्तों जमालपुर से आई है, अभी ये गया की तरफ निकल जाएगी, पैसेंजर ट्रेन है। यह देखिए, और दोस्तों इधर हमारी निकल रही है WAP 5 के साथ गया हावड़ा एक्सप्रेस, जो IFCF के साथ चलती है, डिपार्ट कर चुकी है ये। इस ट्रेन का दोस्तों बहुत ज़्यादा ही स्टॉप है और इस ट्रेन में भी बहुत अच्छा खासा भीड़ रहता है ये, लेकिन IFCF कोच के साथ ही अभी तक चलती है, इसे भी LHB कर देना चाहिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों 30600 यही है अपनी गाजियाबाद लोको सेड की वेब 7, यही अपनी ट्रेन में लगी थी जो अब रिवर्स हो रही है। पानी भी लेना पड़ेगा? पानी ले लेते हैं ना। पानी कहाँ है हमारे पास? निकालने में नहीं होगा ना। तो कोई भुजिया दीजिए, तो 20 का है ना, 20 का भुजिया, एक पानी दे दीजिए। पानी वहाँ ले लेंगे ना, वहाँ ले लेंगे, वो भला 10 का ही हो जाएगा वो। हाँ यही रहने दीजिए, यही रहने दीजिए, ले लीजिए। देखिए दोस्तों लोकोमोटिव कनेक्ट किया जा रहा है। So, दोस्तों ऑन टाइम 4:25 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है क्यूल जंक्शन से। यह है दोस्तों अपनी जनसेवा एक्सप्रेस जो भागलपुर से आई है मुजफ्फरपुर जा रही है। ये देखिए दोस्तों पावर की नगरी में प्रवेश करने से पहले आ गया है अपना लोका पहाड़। अभी हम लोग बिहार में चल रहे हैं, ये अपने झाझा से पहले छोटा छोटा पहाड़। दोस्तों अपनी झाझा, यह देखिए दोस्तों स्टेशन के सामने इतना प्यारा सा पहाड़। हमारी ट्रेन एकदम मस्त स्किप कर रही है झाझा को, यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकेगी नहीं। देखिए यहाँ कितने टीटी भी हैं जो चेक कर रहे हैं और पैसेंजर भी बहुत सारे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे पैसेंजर हैं। 5:07 पे हम लोग स्किप कर रहे हैं झाझा को। अरे ट्रेन स्लो हो गई। वरना घुस नहीं पाइएगा। चलिए 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 मैडम जी, आगे चलिए ना, रुक जाने बाबा, धकल दे उसको। कहाँ मैडम जी? आगे बढ़िए, आगे भी मैडम जी है, उसको जान ले ले धकल के। ठीक है थोड़ा भीतर जाने दीजिए। अरे मैया, अरे बा, अरे रू, अरे चलिए 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 चलिए, अरे कैसे पिछड़ जाएंगे? जा रहे अंदर, ढुक रहे थे पहले, रुक रहे, घुस 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 रहे भाई, घुस रहे। चलिए चलिए चलिए, सिग्नल हो गया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखिए दोस्तों क्या हाल हो गया है। झाझा में रुक गई ट्रेन तो इतना पैसेंजर चल गए एकदम जबरदस्ती। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और देखिए अंदर का कुछ हालात ऐसे हैं। हाँ भैया जाइए 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 जाइए। अरे नहीं बैग यहीं है ना, बैग यहीं है। हाँ क्या देखिए दोस्तों सब भैया सब हैं आराम से बैठे हुए हैं, इसे कितना आराम कहेंगे आप समझ लीजिए। या देखिए एक भैया अपने सो गए अच्छे से लगा के बिस्तर। तो भैया लोग मजा आ रहा है? बहुत डिस्टर्ब। सब जाएंगे बेंगलोर ही? देखिए सब ही लोग जाएंगे बेंगलोर। चलिए इन लोगों का तो अच्छा है ऊपर सीट मिल गया। यह देखिए नीचे कितना, नीचे देखिए कितना है, सब लाइट आ रहा है। यह देखिए आप लोग भी बेंगलोर ही जाइएगा, देखिए यह नीचे में भी है और इधर भी पूरा भरा हुआ है। इतना बुरा हाल अभी तक जितने भी ट्रेन में ट्रेवल किए हैं किसी में नहीं था। यह देखिए आगे भी इधर भी भैया अपने तो दोस्तों यहाँ एक अंकल है हमारे साथ, बोल रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बोलता क्यों नहीं है रेलवे को। और आप लोगों को पता ही है हम लोग क्यों बनाते हैं वीडियो, इसी के लिए कि ताकि रेलवे को पता चल सके कि कितना प्रॉब्लम है पैसेंजर ट्रैवल करते, वो भी समझिए परसों पहुँचेगी सुबह में और
कल पूरे दिन पूरे रात निकलना है, आज पूरा रात निकलना है, सब जाएंगे बेंगलोर, ये समझिए कैसा हालत हो जाएगा। हम लोग का तो बस भागलपुर से यहाँ आए, अभी जैसे डी पहुँचे नहीं है तो हालत ख़राब है। तो अंकल बताइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलेंगे सरकार को यही गाड़ी और दो चार दे देश में, जो पब्लिक को आराम हो जाए। और हम क्या बोले, आप कहाँ जाइएगा? हम बेंगलोर जा रहे हैं। आप भी बेंगलोर? हाँ जी। चलिए अंकल का तो अच्छा, कहाँ चढ़े थे आप? चढ़े कहाँ थे आप? भागलपुर से चले। भागलपुर, चलिए तो अंकल को तो अच्छा है, कम से कम बैठने के लिए यहाँ मिल गया है। और सब भाई को मिले तभी ना। वही ना, इसमें अभी दो कोच और रहता ना तो ये जो ऐसे हालत है ना, नहीं रहता आराम से। अभी आगे और जैसीडी आसनसोल में और चढ़ेगा पैसेंजर, पता नहीं क्या होगा। चलिए जैसीडी जंक्शन। तो दोस्तों, बाबा की नगरी देवर के जैसीडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव की नगरी बाबा नगरी अपनी देवघर में आपका स्वागत है। हम लोग आ चुके हैं बिहार से निकल के झारखंड के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन अपनी जैसीडी। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी है अपनी यहाँ झारखंड की, और ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में आती है। आप क्यू जंक्शन है वो बोर्ड पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप बासुकीनाथ, देवघर, दुमका और बांका के लिए भी लाइन जाती है, तो आप यहाँ ट्रेन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ तक हम लोग ने 195 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और चलिए अब चलते हैं ट्रेन में। वैसे ट्रेन का हालत बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक मैंने जितनी भी ट्रेन जर्नी की है ना, उसमें इस ट्रेन का सबसे बुरा हाल है। अपनी मालवा में जैसी हाल थी ना, वैसा ही टिट्टू इसमें है। इसमें 3 दिन की ये जर्नी रहेगी, कैसे पैसेंजर जाएंगे भाई। चलिए हम तो आसनसोल में निकल जाएंगे। चलिए, सिग्नल हो चुका है, 3 ही मिनट रुकती है। आसनसोल जंक्शन, भाईचारों का शहर आसनसोल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं आसनसोल, भाईचारों के शहर। यहाँ पे हमारी ट्रेन का बस 5 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन आगे निकल जाएगी अपनी यशवंतपुर की तरफ, लेकिन हम लोग यहीं पे इस ट्रेन को डिवोट कर रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा जर्नी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा पब्लिक को पता चल सके कि जनरल पब्लिक को भी कितना प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेन में ट्रैवल करने में। और दोस्तों, इसका फेयर मैं बता दूँ आपको, अगर स्लीपर का बताएं, बात करें भागलपुर से यशवंतपुर का, तो आपको 900 रुपये के आसपास आपका स्लीपर पड़ेगा। थर्ड एसी है उसका 2300 है और सेकंड एसी का 3300 के आसपास है। फर्स्ट एसी भी है उसका 5600 आपको लगेंगे, और पैंटी कार भी है तो खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भाई, खाओगे पियोगे तो निकालोगे कहाँ, इसका बड़ा प्रॉब्लम है। बाथरूम में भी यहाँ तो भरे हुए हैं पैसेंजर। तो दोस्तों, यही था हमारा अंगा एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट जर्नी किस ट्रेन की आप देखना चाहते हैं। तो मिलता हूँ आपसे किसी और नए ट्रेन के साथ, किसी और नए रूट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री राधे कृष्णा एंड जय हिंद। अरे गेट क्लोज है यार, बंद है गेट।